नमस्कार दोस्तों, किसान आंदोलन के दौरान खनौरी बॉर्डर पर मारे गए किसान को लेकर सीएम भगवंत मान का बड़ा ऐलान आया है, जिसमें उन्होंने मारे गए किसान शुभकरण सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। इस बारे में खुद पंजाब सीएम भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी। उन्होंने लिखा, खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए शुभकरण सिंह के परिवार को पंजाब सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही इस ऐलान के साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनकी छोटी बहन को भी नौकरी दी जाएगी। शुभकरण सिंह इससे पहले 2020-21 के किसान आंदोलन में भी शामिल हुए थे, तब उनकी उम्र महज 17 या 18 साल की थी। डॉक्टरों का कहना है कि शुभकरण सिंह की मौत गोली लगने से हुई है और बाकी की जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मिल पाएगी। किसानों और सरकार के बीच चल रही वार्ता पर इस बीच अभी भी कोई भी फैसला नहीं आया है। वहीं किसान नेताओं ने फिर से दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। 23 फरवरी को देश भर में किसान संगठन ब्लैक फ्राइडे मना रहा है, जी हां, और उसके बाद सोमवार यानी कि 26 फरवरी को देश भर के राजमार्गों पर ट्रैक्टर आक्रोश रैली निकालने का और 14 मार्च को दिल्ली में किसान मजदूर महापंचायत करने का ऐलान किया है। फिलहाल सरकार ने किसान आंदोलनकारियों के सामने 5वें दौर की बातचीत का प्रस्ताव रखा है, लेकिन अब तक उसे लेकर कोई भी फैसला नहीं हो सका है। संयुक्त किसान मोर्चा ने तो 26 फरवरी को देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकालने का भी ऐलान किया है। माना जा रहा है कि शुभकरण सिंह की मौत के बाद किसान काफी गुस्से में है। शुभकरण सिंह की मौत पर पंजाब में राजनीति भी तेज हो गई है, जहां एक तरफ आप नेता भगवंत मान सीधा बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।